हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सो गाइस, मेरे पास है मेबी की तरफ से आने वाली डुओ पॉड्स F30 जो कि मैंने बिग बिलियन डे सेल पे मंगवाई थी 2021 में। सो गाइस, ये मुझे अराउंड 900 रुपए की पड़ गई थी उस टाइम पे, लेकिन इनमें प्रेजेंट टाइम का जो इसका प्राइस चल रहा है वो लगभग 1100 से 1200 रुपये चल रहा है। तो गाइस, सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे फिजिकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो गाइस, इसमें आपको मैट फिनिश मिल जाएगी। आप यहाँ पे पीछे बैक साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पे टाइप सी का चार्जिंग सपोर्ट मिल जाएगा आपको। और अगर मैं इसकी डिज़ाइन की बात करूँ तो ये बहुत कॉम्पैक्ट एंड कंफर्टेबल है आपके ईयर्स के लिए भी और साउंड के लिए भी। सो गाइस, कुछ इस तरह से दिखती हैं डुओ पॉड्स, देख सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ गाइस इसकी चार्जिंग के बारे में। तो गाइस, यहाँ पर आपको फोर यहाँ पे लीड मिल जाएंगी, फोर एलईडी लाइट जो कि फुली चार्ज होने पे ब्लिंक करती हैं, ठीक है। और यहाँ पे बैक साइड में आपको टाइप सी का चार्जिंग मिल जाएगी। डिज़ाइन के बारे में हमने देख लिया, डिज़ाइन भी अच्छा खासा ठीक है। अब हम बात करते हैं गाइस इसकी साउंड के बारे में। सो गाइस, इसकी साउंड जो बहुत ही अच्छी है और क्लियर एंड क्रिस्पी साउंड है इसकी, जो क्योंकि गाइस इसमें 13 mm के बेस ड्राइवर लगे हुए हैं जो कि आपको भर भर के बेस प्रोवाइड करेंगे और अच्छी खासी इसमें क्लियर एंड क्रिस्पी साउंड मिलती है। अगर आप म्यूज़िक सुनते हैं या फिर आप स्टडी पर्पस के लिए इसे ख़रीदना चाहते हैं तो बिल्कुल ख़रीदिए, क्योंकि बहुत कॉम्पैक्ट है, अच्छी खासी ये कानों में फिट हो जाती हैं। अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं तो ये कानों में से गिरेंगी नहीं। और यहाँ पे आपको एक ये, जब तक कोई इसे डिवाइस पेयर नहीं कर लेती, जब तक ये लाइट ब्लिंक करती हैं दोनों में ही, इसमें शायद नहीं जल रही है, लेकिन ये दोनों में ही ब्लिंक करती हैं। और गाइस, अब हम इसकी बात करते हैं इसकी चार्जिंग बैकअप के बारे में। सो गाइस, इसमें इस अगर बॉक्स की बात करूं, इसकी जो चार्जिंग बॉक्स है ये लगभग 2 दिन का आपको बैटरी बैकअप अच्छे कहाँ से दे देगा, 2 से 3 दिन की बैटरी बैकअप ये दे देगा एक बार चार्ज करने के बाद। अगर आप इसे फुली चार्ज कर लेते हैं एक बार तो ये अच्छे खासे आपको बैटरी बैकअप देगा। और साथ ही इसे अगर देखें तो ये 5 से 6 घंटे की आपको बैटरी बैकअप दे देगी। अगर इसे एक बार बॉक्स में निकालने के बाद, कनेक्टेड करने के बाद डिवाइस से, किसी भी डिवाइस से, ये 6 घंटे आराम से चल जाती हैं और साउंड में कोई भी इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है, डिफ़िकल्टी नहीं आती है पेयर करने में भी। आप अपनी ब्लूटूथ खोलेंगे किसी भी डिवाइस की और इन्हें आराम से पेयर हो जाती हैं ये। अब हम गाइस करते हैं इसकी टच सेंसिटिविटी के बारे में। इसकी टच सेंसिटिविटी बहुत ही अच्छा है गाइस, मैं आपको बता दूं, अगर आप वन टैप करेंगे तो यहाँ पे कोई भी गाना है वो पॉज हो जाएगा, डबल टैप करेंगे तो यहाँ पे, अगर आप राइट वाले से करेंगे, ये राइट है तो ये इसमें डबल टैप करेंगे तो यहाँ पे गाना आगे बढ़ जाएगा, और इसमें करेंगे तो प्रीवियस जो आपने पीछे गाना सुना है वो आ जाएगा। अगर आप 3 बार टैप करते हैं इसमें तो ये इसमें क्या है कि 3 बार टैप करने पर आपको गूगल असिस्टेंट इसमें एक्सेस हो जाएगा। अगर आप इसमें राइट वाले में अगर आप इसे टच करते रहते हैं, अगर ऐसे टच इसे दबाते रहिए तो इसमें साउंड जो है वो बढ़ जाएगी, यानी वॉल्यूम आपका बढ़ने लगेगा। अगर आप इसे दबाते रहते हैं, जैसे कि इस तरह से अगर आप एक बार दबा दिया फिर आप पकड़े रहेंगे दबाते हुए, तो इसमें जो वॉल्यूम है वो घट जाएगा। सो गाइस, यही सारी इसकी स्पेसिफिकेशंस। गाइस, वैसे कॉम्पैक्ट है और अगर आप स्टडी पर्पस या फिर आप म्यूज़िक के शौकीन हैं या फिर आप बेस लवर हैं तो इसे ख़रीद सकते हैं, बिल्कुल ख़रीदिए। ये बहुत अच्छी हैं, इंडियन कंपनी है मेवी, और ये बहुत ही अच्छी कंपनी है, इसमें कोई चाइनीज़ कंपनी नहीं है। आप इसमें विश्वास कीजिए, ट्रस्ट कीजिए और ये बहुत ही अच्छा आपको एक्सपीरियंस करवाएंगी। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, क्योंकि गाइस आपके एक सब्सक्राइब से हमारे चैनल पे थोड़ी सी ग्रोथ हो जाती है। गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। वी होप यू गाइस यू विल बी कंटिन्यू टू आवर चैनल। सो गाइस, गुड बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। थैंक यू।